पोर्च केस में लापरवाही बरतने की वजह से दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इस केस की जांच को क्राइम ब्रांच को सुपुर्द कर दिया गया। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों ने पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ टोटकरी के नाम शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने इस केस में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को हादसे की सूचना नहीं दी थी। इस हादसे के दौरान दोनों ही पुलिसकर्मी गेरवडा पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। दुर्घटना के बाद नाबालिग आरोपी को इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया था। पुणे में रविवार की रात करीब 2:15 पर नाबालिग आरोपी ने पोर्शे कार से दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक बाइक से यात्रा कर रहे थे। मृतक की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के रूप में हुई। वहीं आरोपी 12वीं के रिजल्ट आने के बाद वहां पब में पार्टी करने हुआ है। पुणे के दो पब में उसने अपने साथियों के साथ शराब पी। इसके बाद वहां से निकलते हुए वो काफी तेज रफ्तार में अपनी पोर्शे कार चला रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। इस मामले को लेकर कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को हिरासत में लिया है। साथ ही में पब के होटल के मालिक को भी हिरासत में लिया, जहां नाबालिग को शराब परोसी गई थी। दोनों पब के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और इस मामले को लेकर पुणे पुलिस के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि जैसे हादसे के वक्त नाबालिग कार नहीं ड्राइव कर रहा बल्कि कोई और वयस्क ड्राइव कर रहा था। इस मामले को लेकर नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को पुणे पुलिस ने हिरासत में लिया। सुरेंद्र अग्रवाल ने ड्राइवर को धमकाया और उसे घर नहीं जाने दिया। ड्राइवर ने सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर सुरेंद्र अग्रवाल पर अपहरण की धाराएं भी लगाई। नाबालिग आरोपी के दादा पर आईपीसी की धारा 365, 366 और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। Driver in the first statement when he came to the police, when he was brought to the police station from the spot, the first statement which he gave in writing was that he was driving the car. But the police station at that point of time itself disbelieved the statement of the driver, and after preliminary inquiry they registered an offense against the juvenile accused because it was evident prima facie that the juvenile accused was driving the vehicle.